सीतापुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो अंतर जनपदीय सातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों अभ्यस्त अपराधियों ने गौकसी समेत कई अन्य वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वारदात को अंजाम देने जा रहे इन दोनों अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली पैर में लगने से दोनों अपराधी घायल हैं और जिला अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों अपराधियों पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मामला मोहली कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहां पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एक अंतर जनपदीय गए गौकसी की घटना को अंजाम देने जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ हर्रैया फतेहपुर चौराहे पर घेराबंदी करते हुए चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस के मुताबिक देर रात चेकिंग के दौरान बाइक से दो संदिग्ध युवक आते हुए दिखे और पुलिस को देखते ही उन पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हुए। पुलिस ने दोनों अपराधियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मौका वारदात से अवैध असलाह और कारतूस भी बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर वाई न्यूज। कल रात्रि थाना महोली में एक मुठभेड़ हुई जिसमें हमारी स्वाट और महोली थाना पुलिस सम्मिलित थी। इसमें दो कुख्यात अपराधी जो पूर्व से हमारे जनपद सीतापुर से वांछित चल रहे थे और इनकी गिरफ्तारी पर आईजी रेंज महोदय के द्वारा 50,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था। ये कल किसी लूट के कंसर्न में थाना महोली के आसपास आए थे। उसी में हमारी स्वाट को सूचना मिली। स्वाट हमारी मौके पर गई जिनमें क्रॉस फायरिंग में दो अपराधी घायल हुए हैं जिन्हें हम लोग एडमिट कराए हुए हैं। इनके द्वारा की गई फायरिंग में हमारी पुलिस टीम बाल बाल बची है। जो दोनों अभियुक्त हैं उनमें एक तौफीक है जो मूल रूप से जनपद बारमुखी का रहने वाला है, एक हफीजुर रहमान है जो मूलतः थाना मड़ियाव जनपद लखनऊ का रहने वाला है। इनके पास से दो तमंचे, कारतूस और गाड़ी बरामद हुई है।